हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे सांखें। आप घर में कैसे बना सकते हैं सांखें, मतलब बहुत से लोग मटर की फली भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे नमक पारे भी बोलते हैं, और आप इसे घर में कैसे बना सकते हैं। जैसे बहुत ही इजी मेथड है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा और 250 ग्राम ही हम लेंगे सूजी, मतलब जितनी आप मैदा लेंगे उतनी ही आपको सूजी लेनी है। और अब हम इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। आप बड़ा बर्तन लीजिए जिससे, क्योंकि हम इसका भी आटा गूंथने जा रहे हैं, इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें सूजी अगर आप मिलाएंगे तो थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है, और मैदा, देखिए मैदा हमारे कहीं ना कहीं बॉडी को नुकसान करती है, तो अगर हम इसमें सूजी मिला देंगे तो आपको, मतलब ये देखिए हेल्दी भी रहेगी और सही भी रहेगी और हजम करने में आसानी होगी। इसमें अब आप डाल देंगे 1 चम्मच टेबलस्पून नमक, आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। और अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप इसमें इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि इसको मसल के डालिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये ऑप्शनल है, अगर कुछ लोग मेथी लाइक नहीं करते हैं, मेथी का फ्लेवर उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो वो नहीं भी डालें, और नहीं तो अगर आप एक बार डाल के देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो भी आप घर में अपना यूज करते हैं खाने में, तो वो हम ले लेंगे। ये हमने करे हैं 4 टेबलस्पून, मतलब 4 कलची आप बोल सकते हैं, थोड़ा इसकी क्वांटिटी हम ज्यादा रखेंगे। और इसको हम मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे अच्छे से, तो सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप ये देखेंगे जब ये मुट्ठी नहीं बन रही हो इसकी, तो आप थोड़ा सा इसमें और ऐड कर सकते हैं बीच में। तो देखिए हमने 2 स्पून और ऐड करे हैं इसके, और अब आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे एकदम क्रिस्पी करारी बनती हैं, फोकी बनती हैं ये। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि आप इसको घर में ही बना सकते हैं, देखिए मार्केट में स्पेशली आप जाके लेकर आए, और एक होता है कि हम घर में ही बना दें, तो घर में हम अपना जिस रिफाइंड ऑयल में हम चाहते हैं उसमें बना सकते हैं। और आप इन्हें बना के रख लीजिए, तो कभी भी जैसे बच्चों को भूख लग रही है, बड़ों को, जैसे हम लोगों को भी लगता है कि अब इस टाइम क्या खाएं, कि खाना हम खा चुके हैं और उसके बाद में भी कुछ टी टाइम में स्नैक्स वगैरह के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, तो आप इसको ले लीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। और जैसे बच्चे बोलते हैं कि अब हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप उन्हें ये भी दे सकते हैं, तो ये हेल्दी भी होती है और इससे बच्चों की भूख भी मिट जाती है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करना शुरू करेंगे। जैसे सिंपल हम आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। देखिए दोस्तों, आटा अच्छे से मण गया है, हमने आटा गूंथ लिया है, और इसकी आप ये देखिए दबा के हम देख रहे हैं तो कितना टाइट, मतलब इसको टाइट, आटा को आपको टाइट रखना है जैसे पूड़ी का आटा आप करते हैं। और इसके बाद में हम करने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए हम फूलने के लिए छोड़ भी देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी फूलेगा। तो कितने टाइम हम, 5 से 10 मिनट आप इसको फूलने के लिए रख दीजिए, इसलिए गीले मसलिन क्लॉथ से आप इसको ढक के रख दीजिए, और 10 मिनट बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं और आटा अच्छे से टाइट होके फूल गया है, जिससे सूजी को फूलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अब हम इसकी मोटी मोटी लोइयां, इस तरह से जितनी हम दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से आप मोटी मोटी लोइयां तोड़ लेंगे। अब हम इसको एक लोई को ले लेंगे और बेलना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको बेल लिया है, और आपको देखिए कितनी इसकी मोटाई कितनी रखनी है, आप ये देख सकते हैं। बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना, बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, क्योंकि जब हम इसको तलेंगे तो ये अपने आप ही फूल जाएगा। और तो अगर आपको करारी, बहुत ज्यादा क्रिस्पी करारी पसंद है, तो आप उसको और पतला भी बेल सकते हैं, और नहीं तो ये जो ये जिस तरह से दिखाई गई है आपको इसकी मोटाई, तो ये बिल्कुल सही रहती है, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी। अब हम इसको कट करना स्टार्ट करेंगे एक नाइफ की मदद से, ऐसे हम लंबा लंबा इसको काट लेंगे, जितना आप चौड़ा पतला आप जिस तरह से खाना पसंद करते हैं उसकी तरह से आप काट सकते हैं इसको। हमने थोड़ी चौड़ी चौड़ी रखी है, मार्केट में काफी पतली मिलती हैं, तो आप जिस तरह से चाहें। और दूसरी गैस पे हमने इस टाइम ही हमने गैस पर
कढ़ाई चढ़ा ली है, रिफाइंड गरम होने के लिए रख दिया है। जब आप लोइयां तोड़ना शुरू करें तो ध्यान रखें उसी टाइम ही आप कढ़ाई चढ़ा लें, रिफाइंड चढ़ा लें जिसमें आप तलना चाहते हैं, और गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे तो वो गरम होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर एक हमने पहले से ही रख दिया था, तो हम इसमें थोड़ी सी गोली डाल के देखेंगे आटे की। देखिए ये बिल्कुल इस टाइम रेडी है ये। तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालना शुरू कर देंगे ये सांखें जो है। इस टाइम हमने हाई फ्लेम रखा है, इसमें फ्लेम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। जब आप शुरू में इसको डालते हैं तो उसी टाइम आपको हाई फ्लेम रखना है, नहीं तो वो कच्ची कच्ची सी रह जाती है। और इसको आप चलाते रहेंगे बीच में, थोड़ा थोड़ा सा चलाएंगे, स्टार्टिंग में चलानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये एक दूसरे में चिपक जाती हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा एक बार पलट लें, पलटने के बाद में इसको सिकने दें थोड़ी देर के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हल्का हल्का सा अगर आप देखेंगे कलर आना शुरू हो गया है, तो अब आप इसको पलट लेंगे। और पलटने के बाद में आप फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे जिससे ये अंदर तक सिके, नहीं तो ये कच्ची रह जाती है। इसमें फ्लेम का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। देखिए थोड़ा थोड़ा आप इसको बीच में चलाते रहिए, ध्यान रखिए कि मतलब ये लगनी नहीं चाहिए। जब एक साइड से सिक जाएंगी तो आप इसको पलट लीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें कैसा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। अब हम इसको उतार लेंगे, बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से आप सारी बेलकर और काट के बना लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल तैयार हैं और खाने के लिए एकदम रेडी हैं, और आप अपने घर में सब लोगों को खिला सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये खाने में, और बच्चे जैसे पढ़ के चुकते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम में भूख लग रही होती है, या आप टी टाइम स्नैक्स वगैरह हैं उसमें भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। इसको आप चटनी, अचार, जो भी आप लाइक करते हैं, और जैसे कि आजकल गर्मियों का सीज़न है तो इसमें कच्ची अमियाँ की चटनी वगैरह आजकल लोग बनाते हैं, तो जैसे हमारे चैनल पे भी आपको वो मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ खाएं तो बहुत ही टेस्ट इसका बढ़ जाता है। बाकी आप टी टाइम स्नैक्स के साथ भी इसको ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।